अगर आप फार्मिंग में आपको स्किल्ड लेबर्स नहीं मिल पा रहे हैं, पहला। दूसरा, लेबर्स मिल तो रहे हैं बट वो टिक नहीं रहे हैं। तीसरा, अगर लेबर्स टिक भी रहे हैं तो सही से काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये तीन चीज़ों का प्रॉब्लम है तो ज़रूर आज के वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग यही सारे चीज़ें आपको एग्जैक्टली बता रहे हैं कि आप ये कैसे करेंगे। ये जो फार्म में स्किल लेबर्स का मिलने का प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। तो ये जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, फार्म के जो ओनर है जो कि हमारा स्टूडेंट है, तो उनके साथ मिलके ये दो यंग लड़के हैं, इन लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इनको एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक का क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा, सतीश जो है यहाँ के फार्म मैनेजर है और वो सारा जो लेबर रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारा हैंडल कर रहे हैं। तो ये सारे जो लेबर्स का सोर्सिंग का काम करते हैं फार्मिंग के सेक्टर में, और अभी उनसे जानते हैं कि अभी उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही थी इसी दौरान जिसको उनको फेस करना पड़ा। तो सतीश, वेलकम टू किसान बिजनेस क्लिनिक के वीडियो ब्लॉग में। और आप बताइए कि सतीश, आप जैसे सोर्सिंग करने जा रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम में क्या क्या दिक्कतें आ रही थी लेबर्स को हायर करने में या फिर उन्हें फार्म पे बुलाने के लिए? सर, हम जब जाते थे लेबर को लाने के लिए तो उसको समझाते थे कि अपने इधर अच्छा काम है, ऐसा वैसा, तो पेमेंट बढ़ाने के वास्ते कम में आते नहीं, और जो आते है उधर इतना मिलता है पैसा, उधर इतना मिलता है, ऐसा सोच के वो ज्यादा से ज्यादा मैं महीने से नहीं करूँगा, हफ्ते से काम करूँगा, ऐसे प्रॉब्लम आया था। लेकिन मिलता है, अभी मजदूरी बढ़ गई है, सब इधर उधर का सामान लेने को ज्यादा पैसा लगता है, तो ऐसा बहुत समस्या आ गई। फिर भी हमने उसको बोला, नहीं वो आप कर लो, बाद में हम तुमको बढ़ा देंगे। सब समझ बाद भी मजदूर का प्रॉब्लम ही आ रहा है, क्योंकि अभी जो है सब सबके दिमाग में कंपनी वगैरह इधर, और शायद से इसी के चलते लेबर्स के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं फार्मर लोग, बराबर। ठीक है, उन्हें पता है क्या करवाना है बट सही समय पे करवाने के लिए लोग नहीं मिल पा रहे, ये है ना दिक्कत। बराबर, ठीक है। वैसे मैंने आपके इधर नर्सरी में भी देखा है कि पौधे जो है नर्सरी से भले लेके आए हो या फिर अपने नर्सरी पे उगा रहे हो, पौधे बहुत बड़े हो गए बट अभी तक लोग अभी तक नहीं मिले जो कि एटलीस्ट इनका ट्रांसप्लांट कराने में मदद कर सकते हैं। यहाँ पे लेबर्स का टाइमली ना आने की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही है? अभी देखो सर, ये पौधे इतने बड़े बड़े हो गए, उसका भी ट्रांसप्लांट लगे छोड़ना चाहिए था, लेकिन लेबर की वजह से रुक गए। अभी देखो इतने बड़े बड़े हो गए, अच्छा, सब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अभी ऐसे इधर मतलब दूधी है, मिर्ची है, करेला है, फूलगोभी बंद गोभी है, टमाटर है, वांगी है, मिर्ची। अच्छा है। और कौन सा इसमें सबसे बड़ा हो चुका है अभी? अभी जो शिमला मिर्ची है बड़ा हो चुका है, अपना दूधी बड़ा हो चुका है। दूधी बोले तो क्या होता है? भोपड़ा जो बोलते हैं, लौकी। हाँ, लौकी। अच्छा, और ये करेला है, करेला भी बढ़ चुका है अभी। हाँ हाँ, तो इसको ट्रांसप्लांट करने का समय तो आ गया होगा? ओ, आ गया है उसका समय, जैसे लेबर की वजह से वो अभी 4-5 दिन लेट हो गए। खूब दिक्कतें आती है, बहुत सी दिक्कतें आती है अभी लेबर की वजह से। अच्छा, लेबर पेमेंट लेते हैं लेकिन काम नहीं करते उतने। अच्छा, ठीक है। इसी सिलसिले में अब हम लोग दूसरे यंग न्यू जनरेशन फार्मर के साथ भी आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इनका नाम है सत्यजीत और ये यहाँ पे टेक्निकल कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, रिसोर्सिंग का काम करते हैं कि जो भी चीज खेती बाड़ी में चाहिए होगी वो सारे रिसोर्सेज ये जुगाड़ करके देते हैं। जब लेबर्स आ जाते हैं उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या फेस करना पड़ता है, तो सत्यजीत अभी आपको बताने वाले हैं, तो सुनते रहिएगा। लेबर आने के बाद लेबर के प्रॉब्लम है, बाहर ज्यादा पेमेंट मिलता है, पेमेंट के लिए उनको ज्यादा पेमेंट नहीं दे सकते, उनके पास उतनी स्किल नहीं बाहर जो काम करते हैं, और उनको आता है तो पूरे टीम के साथ आते हैं, एक दो लेबर नहीं मिलते, उनको इतने लेबर की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना ये मिलते नहीं है, और आते है तो पूरे उनकी टीमें आते है, वो उनका एक प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि वो बोलते हैं कि भाई अगर आना है, अगर आपके खेत में अगर दो लोगों की जरूरत है तो बोलते हैं हम चार ही लोग आएंगे, और पैसा भी चार लोगों का लेके जाएंगे, और अगर आप चार लोगों का पैसा नहीं दे सकते तो कुछ काम नहीं हो सकता आपके खेत में, हम लोग आएंगे ही नहीं, और पेमेंट ज्यादा लेते हो। अच्छा, पेमेंट भी ज्यादा लेते हैं, पेमेंट ज्यादा लेते हैं, पर क्या उनके पेमेंट ज्यादा लेने के लायक उनके पास वो स्किल है जो आपको? उनके पास तो वो स्किल नहीं है। अच्छा, स्किल ना भी होते हुए भी फिर भी वो आप पे मतलब पेमेंट लेते, ज्यादा पेमेंट लेते, तो एक तरफ से ये बोले आते हाँ एक दिन दो वसूली हो गई है, और मतलब छुट्टी मारते हाँ हाँ
सब पूरा दिन नहीं आते और हफ्ते में पेमेंट बोलते हैं। अच्छा। पूरे महीने का पेमेंट नहीं लेते, मतलब आपकी कमाई हो या ना हो उनको अपना पेमेंट चाहिए। उनको अपना पेमेंट चाहिए, ठीक है। तो वो चीज सिखाने के लिए भी आपको अपने समय ला के उनको सिखाओ और उनके पास सीखे या ना सीखे बट पैसा तो उनको देना ही पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी बन जाती है। लेबर में कितने रुपए तक आपके लग गए, आपने क्या देखा लोगों का? 1-2 लाख। अच्छा, तो वो काफी एक्सेस में चला जाता है, अपनी कमाई नहीं होती लेकिन लेबर के लिए ज्यादा पैसे जाते हैं। अच्छा, परिवर्तन है किसान को। अच्छा, और टाइम पे आते नहीं हो। अच्छा, पौधे बड़े हो जाते हैं तब आते हो। अच्छा, खरपतवार ज्यादा टाइम पे वो आते नहीं, जब बुलाते तब नहीं आते, उनको जब टाइम रहता है तब वो आते। अच्छा, अपने मन मर्जी से आते हैं, इधर का टाइम एडजस्ट नहीं करते हो। अच्छा, ये बड़ी दिक्कत है। अच्छा, जब बुलाते तब आते नहीं, बाद में आते। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या है आप लोग का, वो एक समस्या। इसका मतलब आपको प्रोडक्शन टाइमली निकालने के लिए, अगेती खेती आगे करने के लिए आपको टाइमली सीडिंग और टाइमली ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, बट उसमें भी अगर लेबर टाइमली अगर नहीं आते हैं तो फिर लेबर का ना होना ही बेटर है, उससे बेटर है डेडिकेटेड टीम, आपको फुल टाइम होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो ये काफी इतने टाइम में पौधा लगाना चाहिए, वो लगा नहीं सकते, लेबर टाइम पे नहीं मिलते, उसका सब डेट निकल जाती है, वो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है। अच्छा, लेबर लोगों को, उनको पेमेंट ज्यादा चाहिए, उतना पेमेंट के हिसाब से काम नहीं करते, उतनी आइडिया नहीं। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल इधर इतने सीड्स लगाए, उसके 10% आए, 90% खराब हो गए। अच्छा, ज्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे आपका कुछ ये सिर्फ 3 सीड आए। अच्छा, तो सही से उनको काम भी नहीं पता है। अच्छा, और यहाँ पे तो सिर्फ पेमेंट चाहिए, काम की कुछ जरूरत नहीं, काम कैसा भी हो जाए। अच्छा, पैसे से मतलब लेबर लोग काम करते हैं। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि लेबर लोग का काम करने का जो पॉलिसी एथिक्स है वो सही नहीं है, काम करने का उसूल। अच्छा, और क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, जैसे एक तो उनको स्किल नहीं पता, स्किल नहीं, और पानी भी नहीं डालते, आधा सूखा है, आधा डालते है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है। अच्छा, कोई सीड आए कोई नहीं आए, अच्छा कोई खराब हो गई, इतनी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब एक तो स्किल भी नहीं है, उसके लिए पैसा भी ज्यादा चार्ज करते हैं, लेते हैं। अच्छा, जितना चाहिए उतना नहीं करते क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा, और पैसे भी ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ज्यादा लेते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से तो किसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अरे, पेड़ ज्यादा बड़े हो जाते हैं, सीडिंग भी जल्दी नहीं कर रहे। अच्छा, पेड़ बड़े बड़े हो गए, उसका बहुत सारा नुकसान हो रहा है, पेड़ जल रहे हैं। तो इसका मतलब आगे से पौधे जो आपने यहाँ पे लेके आए हैं उसका भी दिक्कत आ रही है, और यहाँ पे जो आप जो ग्रो करवा रहे हैं उसको 10 दिन वो जर्मिनेट भी नहीं कर रही, और इनफैक्ट यहाँ पे 1-2 जर्मिनेशन जो इक्का दुक्का जो हो रहा है उसमें भी आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो ग्रोथ हो रहा है वो बराबर का ग्रोथ नहीं है, और इसके चलते जो ज़्यादातर किसान सीड वाले को दोषी ठहराते हैं, बट जबकि ज़्यादातर केसेस में किसान जिम्मेदार नहीं, उसके लेबर जिम्मेदार है जो कि काम नहीं सिर्फ पैसा सिर्फ देख रहे हैं और सही से काम नहीं कर रहे हैं, ये होता है ना। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये सिर्फ इनका प्रॉब्लम नहीं है और ना ही सिर्फ फार्म ओनर का प्रॉब्लम, ये पूरे दुनिया का, देश भर का सारे किसानों का प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको टाइमली लेबर मिलते नहीं है, लेबर बहुत ज़्यादा कॉस्ट ये करता है, लेबर के पास वो स्किल नहीं है फिर भी उनकी दादागिरी चलती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बोलते हैं भाई आपको अगर 2 लोग अगर अपने खेत में चाहिए बट हम लोग 4 लोग इकट्ठे हैं तो हम लोग को 4 लोगों को ही लेना पड़ेगा। तो ये सारी जो मनमानी जो चल रही है इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे अपने काबू में लेके टाइमली प्रोडक्शन करके एक प्रॉफिटेबल फार्मर बन सकते हो। जैसा कि हम लोगों ने किसान बिजनेस क्लिनिक के YouTube ब्लॉग्स में हमेशा हाई वैल्यू कंटेंट देने का प्रॉमिस किया है आपसे, तो इसी के चलते हम लोग इसका भी तोड़ आपको अभी थोड़ा ही देर में बताते हैं, बने रहिएगा। जैसा कि आपने देखा था कि इन दोनों लोगों ने बताया कि कैसे उनके फार्म में चैलेंजेस आ रही है, एक तो पहले लेबर्स को सोर्स करने में और दूसरा आने के बाद उनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में। तो वो 2 जगह हैं जहाँ पे नॉर्मल किसान या फिर जो लोग खेतीबाड़ी शुरू भी करना चाहते हैं वहाँ पे आके अटक जाते हैं। तो इस चीज़ को पूरा कैसे करना है, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके के पास में है। आपको अगर याद होगा पहले ज़माने से ही, फिर जितने भी इंडस्ट्री आज से 50 साल पहले भी खुली थी, तो आई होप उस टाइम पे भी ये सेम प्रॉब्लम आया होगा, क्या लेबर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि ऑब्वियसली खेती बाड़ी चलाने से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इंडस्ट्री या फैक्ट्री चलाना, जो आपके लोकल एरिया में भी आपका होगा, ठीक है।
तो उन लोगों ने कैसे सॉल्व किया, अगर ये आपको समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज का प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। फार्मिंग में जो स्किल्ड लेबर्स का प्रॉब्लम आता है वो क्यों होता है ये पहले समझते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें आप पे भरोसा नहीं रहता, दूसरा कि वो आते तो हैं बट एट द सेम टाइम वो टिकते नहीं क्योंकि ऑब्वियसली उनमें क्लैरिटी नहीं रहती है कि उनका लॉन्ग टर्म फ़ायदा कैसे होगा, और तीसरा ये होता है कि भाई उनको प्रॉपरली मैनेजमेंट सही नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों के चलते ये फार्म लेबर्स टिकते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं या फिर काम करते नहीं हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान हमसे पहले टाटा, बिरला, अंबानी या फिर ये इतने सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट, उन लोगों ने बहुत पहले ही ढूंढ के रखी है। क्यों? क्योंकि इनके इंडस्ट्री में जितना मैन पावर चाहिए वो अपने खेती बाड़ी से तो कम ही चाहिए, तो अगर ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो हम तो इसको और भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ हिंट्स के लिए मैं आपको कुछ सोल्यूशन शेयर करना चाहूँगा। पहला सोल्यूशन तो ये है कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हायर कैसे करते हैं, इनकी अगर हायरिंग स्ट्रैटेजीज को अगर थोड़ा सा पास से अगर हम लोग समझे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कि काम कैसे करते थे। पहले मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लिया, लोगों से बातचीत भी करी, तो उन लोगों ने बताया कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो सेटअप होती है तो उन लोग क्या करते हैं स्पेसिफिक, उन्हें पता है कि एक कोई बिरादरी है या फिर एक कोई कम्युनिटी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम लोग जैसे बनारस यूपी में रहते थे, अभी तो खैर नासिक में रिलोकेट हो गए हैं अपने प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए, तो वहाँ पे एक मतलब एक नहीं दो तीन कम्युनिटी थी जो सब्जी के खेती में ही बहुत अच्छी थी, जैसे कुनबी, मौर्य, पटेल, ये सब जो बनारस के बहुत ही सब्जी में धुरंधर लोग थे जो कि इस बिरादरी के लोग थे और इनका महारत बहुत अच्छा था, इसमें काफ़ी नाम किया हुआ था। तो इस कम्युनिटी के लोग अगर आपके साथ मिलके अगर फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करते हैं नॉट एज अ लेबर्स बट एज अ टीम मेम्बर्स, तो वो जाके आपका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा ये हम लोगों ने देखा है जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जैसे हायरिंग करते हैं, उन लोग क्या करते थे, किसी भी गांव में चले जाते थे जहाँ पे ये कम्युनिटी के लोग मिलते थे, जो कि उनके स्पेसिफिक मापदंड होता था कि भाई हाई इंटेंसिव काम कराना, लो इंटेंसिव या फिर उनके स्किल रिक्वायरमेंट। तो मान लीजिए अगर पत्थर तोड़ने का ही काम था, ठीक है, तो फिर उन लोग एक कम्युनिटी में जाते थे गांव में और उनके सरपंच को कुछ अमाउंट दे देते थे और पैसा देके बोलते थे भाई इन लोग जो है इन लोग को आप हमारे उधर भेजो काम करने के लिए, और अगर इन्होंने काम सही से किया तो आपको भी कुछ बख्शीश दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या उनका भी बेनिफिट हुआ, गाँव के मुखिया का, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री फैक्ट्री वाले टाटा बिरला या फिर ये सब लोगों को नहीं जानते हैं वो लोग, ठीक है, बट उस गाँव के मुखिया को ज़रूर जानते हैं। तो इस तरीके से उन लोग हायरिंग करते थे, जैसे पत्थर तोड़ने का काम हो गया, या फिर इसके और भी आगे जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए जैसे कि जामनगर फैक्ट्री हो गई आपका गुजरात में, तो वहाँ पे क्या हो गया कि अब इतना रेगिस्तान से भरा हुआ जगह, जल्दी से कोई आता नहीं है, तो ऐसे लिए उन लोग क्या उन लोग की जो हायरिंग टीम है वो देश के विभिन्न कोनों कोने, कोई एमपी पे चले गए, यूपी पे आ गए, बिहार पे चले गए, तो ऐसे अलग अलग जगह पे जाके उन लोग क्या करते थे, मतलब उस कम्युनिटी स्पेसिफिक लोग, क्योंकि अगर काम वाइज देखें एक बहुत ही सीनियर जो हायरिंग जो पर्सन थे उनके साथ मेरे बातचीत हुई बहुत पहले, आज से ऑलमोस्ट लाइक 6-7 साल पहले का बात है, तो वो सीनियर सज्जन मतलब ऑलमोस्ट लाइक 80 साल की उम्र के थे, तो उन्होंने बताया कि कितने सारे कम्युनिटीज़ हैं कुछ स्पेसिफिक काम कराने के लिए, तो उस स्पेसिफिक काम के अकॉर्डिंगली किस गांव में जाया जाए, किस टाइप के लोगों को हायर किया जाए, तो उनका प्रॉपर चार्ट्स बना रहता था और वहां से फिर उन लोग स्पेसिफिक काम के लिए उस स्पेसिफिक कम्युनिटी के पास जाते थे और उसके गाँव के सरपंच को उन लोग मतलब खुश करते थे या इन्फ्लुएंस करते थे और बोलते थे भाई आप अपने यहाँ से मैन पावर वहाँ पर भेजिए, हमारे यहाँ पर रेगुलर काम चलता है। तो रेगुलर काम के लिए क्या होता है कि वो आपके इधर आएंगे और अगले 3 महीने तक अगर वो टिक गए आपके उधर तो आपको आने वाले दिन में कुछ बख्शीश भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या गांव के मुखिया को भी बेनिफिट कराया, गांव के लोगों को भी बेनिफिट कराया और अपना भी काम करवा दिया। तो इस तरीके से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट काम करते थे अपने ज़माने में, ठीक है, बट अब जो नया ज़माना आ रहा है जहाँ पे आज एक खेतीबाड़ी ही अपने आप में एक इंडस्ट्री की तरह आके मतलब खड़ी है मजबूती से, यहाँ पे एक टाइम का सीजनल खेती नहीं होती, जैसे अंगूर का हो गया या फल का हो गया कि भाई साल में एक ही बार या दो बार प्रोडक्शन आता है, तो सीजनल काम नहीं, ये हमेशा चलते रहने वाला काम है। तो इस चलते रहने वाले काम के लिए हमेशा चलते रहने वाले लोग चाहिए होंगे, जो रेगुलर बेस में स्टेबल टीम चाहिए होगी जो वहाँ पर रुक के जिम्मेदारी ले और जिम्मेदारी के साथ आपके काम को आगे बढ़ाए। तो ऐसे लोग आपको कहाँ से मिलेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया, वो टिकेंगे कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए प्रॉपर एक अपने घर माहौल के सिस्टम के तरीके से अपने घर वालों की तरह इनको आप फैसिलिटी देंगे, अपने घर मेंबर की तरह इनको ये करेंगे, प्यार देंगे, तब जाके ये यहाँ पे टिकेंगे। अच्छा, तीसरा चीज़ है क्या है कि उनको प्रॉपरली मैनेज कैसे करना है, तो मैनेज करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप उनको प्रोफेशनली मैनेज नहीं कर सकते तो
तो हो सकता है आप एज अच्छे वो रुक जाएंगे कुछ दिनों के लिए, बट उनको अगर आगे का कुछ मैनेजमेंट कुछ समझ में नहीं आए, उनको क्लैरिटी नहीं आए, तो तुरंत दो दिन में छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है? तो उनको कैसे टिकाना है? लेबर्स ना बोल के टीम मेंबर्स आप बोलिए। हो सकता है आप महाराष्ट्र में यहाँ पे जैसे हो, बट हो सकता है आपको वहाँ पे नहीं पता कि भाई बनारस में या फिर यूपी में से कहाँ से लेके आए, या फिर बिहार से कैसे लेके आए, फिर दूसरी जगह से कैसे सोर्स करना है। कि ये तरीका है जो उस जमाने में ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने सॉर्ट आउट किया था। उस टाइम पे उनकी फैक्ट्री को चलाने के लिए जितने लेबर्स चाहिए थे उतने आपके फार्म में जरूरत नहीं है, बट उन्होंने भी तो कैसे ना कैसे उसको सॉल्व किया ना। तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? इस चीज का प्रॉपर जो एक हिंट है मैंने आपको इसी के जरिए दे दिया कि कुछ कम्युनिटीज रहती हैं, आपको उन कम्युनिटी स्पेसिफिक लोगों को पहले अपने साथ मिलाना, एक घर परिवार की तरह प्यार दे रहे हुए, और फिर उनका कमिटमेंट जीतना है। बट खैर, आप उनको ज़्यादा पैसे दे के आप उनको जीत नहीं सकते उनका कमिटमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली आज हो सकता है 200 का आपने 300 दिया, 300 का आपने 400 दिया, कल कोई 100 रुपया बढ़ा के 500 रुपया दे देगा तो वो वहाँ पे रातों रात चले जाएंगे, तो उससे आपका लेबर फार्म में टिकने नहीं वाला। तो कौन सी एडवांस स्ट्रैटेजीज होंगी जिसके चलते वो फार्म में टिके, एक डेडिकेटेड टीम की तरह, एक रिलायबल टीम की तरह आपके लिए वहाँ पे फार्मिंग का प्रोडक्शन संभाले, वहाँ पे फार्मिंग का सारा जिम्मेदारी संभाले, कैसे वो हाई परफॉर्मेंस टीम बिल्डअप करनी है, ये सब कुछ हम लोग अपने प्रीमियम ऑनलाइन ट्रेनिंग में बताते हैं। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ के रखिए, आपको सबसे पहले फोकस उन लोगों पे करना है जो कि सब्जियों की खेती करने में महारत हासिल किए हुए हो, जो कि बहुत ही दूर दराज के एरिया से, बट वो नीडी हो, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी क्या है, वो भी अपनी लाइफ में करियर वाइज आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बट उनको शहर में जाके एक सही प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे आप उनको एक सही प्लेटफॉर्म दे पाओगे अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट के जरिए, ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रीमियम ट्रेनिंग कोर्स किसान बिजनेस क्लिनिक के प्रोग्राम में बताते हैं। जरूर फोन कीजिएगा और जानिएगा कि कैसे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको और अच्छे तरीके से मदद कर सकता है। वैसे अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों किसान दोस्तों तक पहुंचाइए जो कि रियली फार्मिंग करना तो चाहते हैं, पैसा भी है, ज़मीन भी है, रिसोर्सेज भी हैं, बट जस्ट बिकॉज उनको मतलब सही मैन पावर नहीं मिल पा रहे हैं, एक सही लेबर्स के चलते रुके हुए हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको लेबर्स के भरोसे नहीं, आपको प्रॉपर टीम के भरोसे आगे चलना है। और जिस दिन आपने इन लोगों को लेबर्स कहना बंद कर दिया, जिस दिन आप लोगों ने दिहाड़ी का काम लेना इनसे बंद कर दिया और फुल टाइम उनका फ्यूचर सिक्योर करते उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, उस दिन वो अपना जान लगा के भी आपके प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। क्योंकि किसानों को बिजनेस में क्लिनिक चाहिए, आईसीयू में एडमिटेड है उसका आज इनकम है। जब आप हमारे लाइव ट्रेनिंग, दो दिन का लाइव ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए यहाँ पे नासिक आते हो, और उसके बाद हम लोग अगले 3 महीने मतलब 90 दिन में 12 सप्ताह होते हैं, तो 12 वीक्स में 12 ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उसके जरिए हम लोग आपको ये सारे चीज़ें एलिमेंट्स जो है कि भाई आपको प्रॉपर मैन पावर कैसे मिलेगी, आपको जो फार्म में लेबर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, लेबर्स आ नहीं रहे, मिल नहीं रहे, रुक नहीं रहे, टिक नहीं रहे, भाग जा रहे, तो ये सारे का समाधान हम लोगों ने ये किसान बिजनेस क्लिनिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताई है। दोस्तों आने वाले दिनों में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप कौन से टॉपिक में हमसे और वीडियो बनवाना चाहते हैं, कौन से टॉपिक में आप चाहते हैं कि फार्मिंग के बिजनेस में हम आपकी मदद करें, इस YouTube वीडियोस के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा।